प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो ऐसे राज्यों का दौरा करने वाले हैं जहां किसी भी वक्त चुनावों का ऐलान हो सकता है। पीएम आज पश्चिम बंगाल के हुगली में रैली के जरिए सूबे को बड़ी सौगात देंगे, तो वहीं असम में भी प्रधानमंत्री एक बड़ा मिशन शुरू करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले असम जाएंगे, उसके बाद पश्चिम बंगाल का दौरा होगा। पश्चिम बंगाल के लिए एक के बाद एक कई परियोजनाओं का ऐलान होगा, तो असम में धीमाजी के सिलापत्थर में नरेंद्र मोदी तेल और गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं इलाके की सूरत को बदल कर रख देंगी। इसीलिए आज पीएम मोदी बोंगाईगांव रिफाइनरी में इंडमैक्स यूनिट का उद्घाटन करेंगे, डिब्रूगढ़ में ऑयल इंडिया के सेकेंडरी टैंक फॉर्म का उद्घाटन करेंगे, तिनसुकिया के माकू में गैस कंप्रेशर स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, धेमाजी में इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन और सुआलकुची इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। इन दौरों के जरिए पीएम मोदी ने इरादा साफ कर दिया है कि ग्राउंड पर पॉलिटिकल फाइट से पहले पीएम ने होमवर्क कर लिया है। देश मन बना चुका है, देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, देश अब समय नहीं गंवाना चाहता है। असम के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के हुगली पहुंचेंगे तो वहां भी कई प्रोजेक्ट्स शुरू करेंगे। पीएम ने बकायदा इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक मेट्रो रेलवे का एक्सटेंशन का उद्घाटन करेंगे। कालीघाट और दक्षिणेश्वर मंदिर जाने वालों को सहूलियत होगी। इसके अलावा कलाईकुंडा और झारग्राम के बीच तीसरी लाइन का उद्घाटन करेंगे। अजीमगंज से खरगरा घाट के बीच सड़क का उद्घाटन भी करेंगे। दानकुनी और बराईपाड़ा बर्धमान कार्ड लाइन का उद्घाटन करेंगे और रसूलपुर और मागरा बर्धमान मेन लाइन पर तीसरी लाइन का उद्घाटन करेंगे। डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस डज नॉट नो कास्ट, क्रीड, रेस, जेंडर, रिलीजन और लैंग्वेज। डेवलपमेंट इज फॉर एवरीवन। दिस इज द एसेंस ऑफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। डेवलपमेंट इज अवर एम, डेवलपमेंट इज अवर रिलीजन। हुगली के जिस डल्लब ग्राउंड में पीएम मोदी की रैली है, उसी जगह पर ठीक दो दिन के बाद 24 फरवरी को ममता बनर्जी भी रैली करने वाली है। इन दोनों की रैलियों को बंगाल चुनाव की टक्कर के ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा है। बंगाल की राजनीति में सीबीआई की एंट्री हुई है। सीबीआई का